साथियों नमस्कार, मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसेंसिंग क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों आज कक्षा 12 NCERT हिंदी के अंतर्गत वेतान भाग 2 से पाठ संख्या 3 अतीत में दबे पांव, जिसे ओम थानवी ने लिखा है। इसके पहले कि मैं पाठ शुरू करूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आप जानते हैं कि मेरा उद्देश्य आपकी पढ़ाई के लिए कार्य करना है और ये चैनल आपकी शिक्षा को समर्पित है, तो इसे आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। तो आइए हम पाठ शुरू करते हैं। अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी ने इस पाठ में ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल सिंधु घाटी सभ्यता की ऐतिहासिकता से पाठकों को परिचित कराया है। यह रचना ओम थानवी के यात्रा वृतांत और रिपोर्ट का मिला जुला रूप है, जो अब तक की जानकारी में भारतीय भूमि पर ही नहीं विश्व फलक पर मान्य इस सबसे प्राचीन सभ्यता को उतने ही सुनियोजित ढंग से पुनर्जीवित करती है, जितने सुनियोजित ढंग से उसके दो महान नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा बसे हुए थे। इसमें लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान यह पाया कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ने एक सुनियोजित ढंग से मानव संस्कृति को उसकी बसावट के अनुसार सौंदर्य बोधित किया है, उसकी सुंदरता को उजागर किया है। उसका सौंदर्य बोध राजपोषित या धर्म पोषित नहीं था, बल्कि ये समाज पोषित था, अर्थात उसका पोषण समाज से था। वह सभ्यता ताकत के बल पर शासित होने की जगह आपसी समझ से अनुशासित थी। उसमें भव्यता तो थी, आडंबर नहीं था। लेखक के विचार से आधुनिक व्यवस्था के आ जाने से हमारी पुरानी संस्कृति की विशेषताएं विकास की भेंट चढ़ गई हैं। आइए हम पाठ का सार देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिंधु सभ्यता का केंद्र क्या था। तो पाठ में पाकिस्तान स्थित मोहनजोदड़ो और हड़प्पा शहरों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र माना गया है। यह शहर ताम्रकाल के शहरों में अपनी बड़ी बड़ी गलियों व इमारतों की अनुभूति कराते हुए सबसे बड़ा शहर रहा होगा, ऐसा माना जाता है। इसकी जनसंख्या लगभग 85,000 रही होगी। खुदाई में जो मुहरें प्राप्त हुई, इमारतें प्राप्त हुई, खिलौने या बर्तन प्राप्त हुए, उन्होंने इस सभ्यता की जानकारी हमें दी, और साथ ही उससे यह भी पता चला कि यह शहर किस प्रकार पूर्णतः योजना के अनुसार बसाया गया था। इसका नगर नियोजन और यहाँ पे जो बौद्ध स्तूप मिला, इसके बारे में जानकारी देते हुए लेखक ने बताया कि वर्ष 1922 में बौद्ध स्तूप के आसपास की गई खुदाई में ईसा पूर्व के निशान पाए गए। भारत की सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसका वैज्ञानिक आधार पाए जाने पर मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के अनुरूप ही इस सभ्यता को भी आंका गया। यह शहर भारत का लैंडस्केप है, क्योंकि इस शहर को बनाने व यथार्थ स्वरूप देने का कार्य पूर्व नियोजित व्यवस्था के अनुसार एक संपूर्ण प्रणाली के अनुरूप किया गया होगा, ऐसा माना जाता है। आधुनिक शहरों की जो व्यवस्था है, जो उनके निर्माण की प्रक्रिया है, जो उनको बसाने की प्रक्रिया है, अगर हम उसकी तुलना सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों से करें तो सिंधु घाटी के शहर बेहतर प्रतीत होते हैं। इस शहर के दक्षिण में कुछ कामगारों की बस्तियाँ हैं, ऐसा खुदाई से पता चला। संपन्न वर्ग की बस्तियों के बारे में लेखक ने यह कहा है कि इस सभ्यता की सबसे सुंदर व्यवस्था यह थी कि समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता समाज को विकसित करने के लिए कार्य करती थी। यह सभ्यता सबसे सुंदर थी और पूर्णतः विकसित होने के कारण आज भी हम इस सभ्यता का उदाहरण देते हैं। इस सभ्यता में संपन्न वर्ग की बस्तियाँ पाई गई हैं और 5,000 सालों में निम्न वर्ग की बस्तियाँ मिट गई होंगी, ऐसा माना जाता है। महाकुंड तथा सामुदायिक केंद्र, महाकुंड यानी मानव निर्मित तालाब या स्नानागार आप जिसे कह सकते हैं, और सामुदायिक केंद्र यानी कम्युनिटी सेंटर, तो यहाँ पर पक्की ईंटों का एक कुंड बना हुआ है, एक तालाब बना हुआ है, जिसमें
जिसे स्नानागार भी कहते हैं, जिसमें पानी की निकासी का उचित प्रबंध किया गया। सामुदायिक केंद्र यानी कम्युनिटी सेंटर जैसा एक सभा भवन था, इसके दक्षिण में स्थित था वो, जो 20 खंभों पर आधारित था। फसल, यहाँ की फसलों के बारे में लेखक ने बताया है कि बैलगाड़ियों का प्रयोग धुलाई के लिए होता था। यहाँ अनेक प्रकार की फसलें जैसे गेहूं, जौ, सरसों, चने, इन सब का उत्पादन किया जाता था और अधिकतर कामगार खेत में ही काम करते थे। मकानों में सभी प्रकार की सुविधाएं मौजूद थी। जल संस्कृति यानी वाटर सिस्टम जो था, यहाँ का वाटर कल्चर था, उसके बारे में लेखक ने बताया है कि पानी की निकासी के उचित प्रबंधन के कारण किसी भी रूप में बीमारी का प्रकोप अधिक नहीं हो सकता। आपको पता है कि अगर हम पानी का उचित प्रबंध कर सके, उसकी व्यवस्था कर सके, तो बीमारी कम से कम हो सकती है, क्योंकि नालियाँ आदि ये उचित रूप से ढकी हुई थी। यानी जो नालियाँ पाई गई सिंधु घाटी सभ्यता में, वो सब ढकी हुई नालियाँ थी। घरों के भीतर से पानी या मैल की नालियां बाहर हौदी तक आती हैं और फिर नलियों के साथ जुड़ जाती हैं, बाहर की नलियों के साथ जुड़ जाती हैं। ये नालियां अधिकतर बंद हैं। यहाँ पर कुओं का प्रबंध आवश्यकता के अनुसार उचित रूप से किया गया था। अजायब घर यानी म्यूजियम के बारे में बताया गया है कि मोहन जोदड़ो में एक छोटा सा म्यूजियम है। यह किसी स्कूल की इमारत की तरह लगता है। यहाँ पे अधिक सामान नहीं है। जो भी अहम चीज़ें हैं वो आपको कराची, लाहौर या दिल्ली या लंदन में स्थित हैं इस सभ्यता की। लेकिन यहाँ पे क्या है, इस म्यूजियम में क्या है, काला पड़ गया गेहूं है, तांबे और कांसे के बर्तन हैं, मुहरे हैं, चाक पर बने विशाल मृदभांड हैं, और उन सभी पे जो काले भूरे चित्र हैं, मृदभांड माने मिट्टी के बर्तन, चौपड़ की गोटियां हैं, तांबे का आईना है और पत्थर के औजार हैं, इन सब को दिखाया गया है। और इन सब के बारे में वहां के जो गाइड हैं अली नवाज़, वो बताते हैं। वो ये भी बताते हैं कि सोने के गहने थे लेकिन वो चोरी हो गए। अजायब घर में प्रदर्शित चीज़ों में औजार तो हैं लेकिन कोई हथियार नहीं है। यहाँ पर कुछ सुइयाँ भी मिली हैं। सुइयों के अलावा हाथी दाँत और तांबे के सुए हैं, सुए माने जिनसे बोरा सिलने का काम किया जाता है, नर्तकी मिली है और दुसाला ओढ़े दाढ़ी वाले नरेश की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। लेकिन इनका प्रमाण मिलना अब मुश्किल है। क्यों मिलना मुश्किल है, क्योंकि सिंधु नदी के पानी से खुदाई के स्थान पर दलदल की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे खुदाई को अब बंद करना पड़ा है। लेखक ने इस सभ्यता के इतिहास को इतने सुंदर रूप में वर्णित किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि मोहन जोदड़ो की जो सभ्यता है वो उसकी जानी पहचानी सभ्यता है। तो ये पाठ का सार था जिसे मैंने आपके लिए प्रस्तुत किया है। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ लेके आएंगे, जो नए पैटर्न के हिसाब से आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। अब वेतांत से सिर्फ MCQ ही पूछे जाएंगे, क्योंकि पाठ समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब तक आप पाठ नहीं समझेंगे तब तक आपको MCQ भी याद नहीं होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।